दोस्तों इस लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल असनिक स्टडी, साथ में इस बेल के आइकन पे क्लिक करें और पाएं मेरे सारे अपडेट्स सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसैनिक स्टडी में। दोस्तों आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो सिविल सर्विस का आज एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, मेंस का जो फर्स्ट पेपर हुआ है एसए का, वो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। तो पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज दोस्तों। और आज से 29 तारीख तक लास्ट है इस एग्ज़ाम का, मेंस का दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो ही प्रश्न का आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्न खंड ए व बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर दो निबंध लिखने हैं दोस्तों, और प्रत्येक जो निबंध है दोस्तों वो लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होना चाहिए। और मार्क्स देख सकते हो दोस्तों टोटल 250 का है, यानी 125 × 2 यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। सेक्शन ए का पहले टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक पे पूछा गया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक है वो है विवेक शक्ति को खोज निकालता है, यह टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद अगर टॉपिक टू देखें तो मूल्य वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए, यह दूसरा टॉपिक है दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। जी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है स्वीकारोक्ति, यानी जिसे करेज कहते हैं दोस्तों। तो स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। इंग्लिश में अगर देखें दोस्तों तो करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। बहुत ही अच्छी टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे दी गई है, यानी चार प्रश्न पूछे गए दोस्तों। सेक्शन ए में चार प्रश्न पूछे गए जिसमें से एक प्रश्न का आंसर आपको देना है, और सेक्शन बी में भी यहाँ पे देख सकते हैं चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चार टॉपिक दिए गए हैं, उस पर आपको जो है वो ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों सेक्शन बी के क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो सेक्शन बी में जो पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, यानी जो टॉपिक दिया गया है वो है दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। जैसे पक्षपात जो करते हैं मीडिया वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनः कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर है। तो ये सारे 8 टॉपिक्स दिए गए थे दोस्तों, जिसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का यहाँ पे आंसर देना था दोस्तों स्टूडेंट को। और जो शब्द सीमा थी दोस्तों वो 1000 से 1200 में थी, और टोटल जो मार्क्स थे वो यहाँ पे 250 से टोटल। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं डेली कोशिश करूँगा दोस्तों, मैं डेली जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आऊँगा। आप लोग जरूर क्वेश्चन पेपर देखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं डेली क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जल्दी कर दें। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।